बिहार में मंगलवार से इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन की शुरुआत हो गई। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के अलावा कई माननीय ने इलेक्ट्रिक बस पर बैठकर विधानसभा तक का सफर किया। बस से उतरने के बाद सीएम ने कहा कि यह बस पर्यावरण के लिए बेहतर तो है ही, साथ ही साथ सुरक्षित भी है। उन्होंने कहा कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत इन बसों का परिचालन शुरू किया गया है। आपको बता दें कि अभी 12 इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू हो चुका है और आने वाले समय में लग्जरी, डिलक्स और सेमी डिलक्स कैटेगरी की कई और बसें भी मंगाई जानी है। बिहार में मंगलवार से सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू हो गया। इसका उद्घाटन संवाद भवन में सीएम नीतीश कुमार ने किया। इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन में बिहार देश का तीसरा राज्य बन गया। देश में इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन अब तक दिल्ली और केरल में ही हो रहा है। पेश एक रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई को देखते हुए राज्यवासियों को सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिली है, जिसमें 15 लग्जरी, 25 डीलक्स और 30 सेमी डीलक्स बसों का परिचालन बिहार के 43 विभिन्न मार्गों पर किया जाएगा। इन बसों का परिचालन शुरू हो जाने से राज्य के सभी 38 जिले से राजधानी पटना जुड़ जाएगी और जिला और प्रखंड मुख्यालय से भी राजधानी का सफर काफी आसान हो जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पर्यावरण को बचाने और सरकार के जल जीवन हरियाली योजना से लोगों को जोड़ने के लिए इन बसों के परिचालन की शुरुआत की गई थी। बिहार में लाया गया है 12, अभी आ चुका है, कुल 25 आना है। इस महीने में बाकी बसें भी आ जाएंगी और उसका परिचालन प्रारंभ हो गया है। आगे भी सबका परिचालन प्रारंभ होगा। अभी तो इतनी संख्या में आ गया है, लेकिन ये चलेगा तो हम लोग तो और संख्या में यहाँ मंगवाएंगे, ताकि आप जानते हैं कि हम लोगों की जो इच्छा है और जल जीवन हरियाली अभियान चलाते हैं और आपको मालूम है पर्यावरण के संरक्षण के लिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अगर ऐसे व्हीकल्स चलेंगे तो काफी लोगों को सहूलियत होगी। आइए जानते हैं कि इन इलेक्ट्रिक बसों में खास क्या है। 9 मीटर की लंबाई वाली ये इलेक्ट्रिक बसें 37 सीटर। इन बसों को चार्ज करने के लिए परिवहन परिसर फुलवारी शरीफ में कुल 1200 किलोवाट के चार्जर स्टेशन बनाए गए हैं। एक बार फुल चार्ज हो जाने पर इलेक्ट्रिक बसें 225 से 250 किलोमीटर तक चलेगी। इतना ही नहीं, सभी इलेक्ट्रिक लग्जरी, डीलक्स और सेमी डीलक्स बसें आधुनिक सुविधाओं से लैस है। बस के अंदर यात्रियों को मोबाइल चार्ज करने की सुविधा, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, स्मार्ट टिकटिंग एवं इंटेलिजेंट व्हील ट्रैकिंग सिस्टम भी मौजूद है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए बसों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इसमें 2 कैमरे अंदर सीट की ओर और बाहर एक दरवाजे के पास लगा हुआ है। बसों में 3-3 डिस्प्ले भी लगे हुए हैं। पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के साथ सुरक्षा के लिए इमरजेंसी और पैनिक बटन भी मौजूद रहेंगे। जहां एक तरफ महंगाई ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, साथ ही पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों ने सफर को और महंगा बना दिया है, ऐसे में ये बसें पर्यावरण हितैषी होने के साथ साथ आवागमन का सहज और सस्ता साधन बनकर उभरी, जिसे आने वाले दिनों में बिहार की जनता को आरामदायक और लग्जरी सफर का मजा लेने के लिए अपने जेबी ढीली नहीं करनी पड़ेगी। नेशन न्यूज के लिए मंजुल मंजरी की रिपोर्ट। We'll be right back.